मैं देशराज यादव, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम राजकीय उत्पत्ति एवं कार्य क्षेत्र के संबंध में कौटिल्य के विचारों का अध्ययन करेंगे। राजकीय उत्पत्ति के संबंध में कौटिल्य ने जो विचार व्यक्त किए हैं उससे हमें समझौतावादी सिद्धांत का संकेत मिलता है। उसके अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण के 13वें अध्याय में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में लिखा हुआ है कि संसार में जब चारों ओर अराजकता विद्यमान थी तो उस स्थिति में भयंकर दुखों एवं निरंतर असुरक्षा की भावनाओं से पीड़ित होकर मानव समुदाय ने मनु को अपना राजा बनाया। प्रजाजन ने राजा को वेतन के रूप में खेती से उत्पन्न अन्न का छठा भाग तथा व्यापार से प्राप्त लाभ व स्वर्ण का 10वां भाग देने का निश्चय किया। राजा ने प्रजा के द्वारा दिए जाने वाले इस वेतन या कर के बदले में प्रजा की सुरक्षा एवं कल्याण का दायित्व स्वीकार किया। राजा द्वारा प्रजा की सुरक्षा के लिए दंड की शक्ति का जनहित में माना गया। तो इस तरह से हम कौटिल्य के राज्य की उत्पत्ति के संबंध में व्यक्त विचारों का अध्ययन करते हैं तो हमें अनुबंधवादी या सिद्धांतवादी या सामाजिक समझौता सिद्धांत वाला सिद्धांत के दर्शन होते हैं। जिस तरह से हाफ्सलाक रूसो ने सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, उसी तरह से उनसे पूर्व कौटिल्य ने राज्य की उत्पत्ति के संबंध में इसी तरह के समझौतेवादी सिद्धांत का संकेत दिया है। अब हम कौटिल्य के राज्य के कार्य क्षेत्र के संबंध में विचारों का अध्ययन करेंगे कि कौटिल्य ने राज्य के कार्यों के बारे में किस तरह से विचार व्यक्त किया है। यदि हम कौटिल्य के राज्य के कार्य क्षेत्र का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि अर्थशास्त्र में उन्होंने राज्य के कार्यों के बारे में जो विवरण दिया है उससे उनके राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य की श्रेणी में रख सकते हैं। राज्य के प्रमुख कार्यों को कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला जो कार्य राज्य का माना है वो है प्रजा रक्षण का कार्य। क्योंकि राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई थी कि प्रजा को अशांति व अराजकता से उत्पन्न मात्स्य न्याय से मुक्ति दिलाई जाए या शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। तो कौटिल्य ने यह कहा है कि राज्य में शांति एवं व्यवस्था बनाए रखना और प्रजा की सुरक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व है। राज्य समाज कंटकों या अपराधियों को दंडित करके शांति और व्यवस्था को बनाए रखता है तथा प्रजा के जीवन, संपत्ति और सदाचार की सुरक्षा करता है। राज्य के द्वारा बाह्य आक्रमणों से जनता की सुरक्षा करता है। कौटिल्य ने राजा से अपेक्षा की है कि वो ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं होने दे जिससे कि राज्य की सुरक्षा को खतरा पैदा हो। यदि बाह्य आक्रमण हो तो उसका मुकाबला किया जाना चाहिए। साथ ही कौटिल्य ने ये कहा है कि राज्य की सुरक्षा की समुचित व्यवस्था होने के बाद ही राजा को अपने राज्य के विस्तार पर ध्यान देना चाहिए। यानी राज्य की सुरक्षा पहला दायित्व है और ये राजा का प्रमुख दायित्व उसने माना है। दूसरा कार्य उन्होंने समाज व्यवस्था का संचालन माना है। कौटिल्य ने समाज व्यवस्था का संचालन राज्य का प्रमुख दायित्व माना है। हम कौटिल्य और मनु के विचारों में देखते हैं कि उन्होंने पूरे मानव समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया था। ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र। इसी तरह से मानव जीवन को भी 4 आश्रमों में विभाजित किया था। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो मानव जीवन को भी उन्होंने 4 आश्रमों में विभाजित किया और पूरे मानव समुदाय को भी 4 वर्णों में विभाजित किया। तो इन्होंने ये कहा कि प्रत्येक वर्ण का ये दायित्व है, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन करे। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो उसके जिस वर्ण का है उस वर्ण में रहे
और उस वर्ण के वर्णित कार्यों को ही वो करे, अर्थात जो ब्राह्मण का कार्य है ब्राह्मण करे, जो क्षत्रिय का काम है वो क्षत्रिय करे, जो वैश्य का काम है वैश्य करे, जो शूद्र का काम है वो शूद्र करे। इसी तरह से जीवन के जिस पड़ाव पर वो जिस आश्रम में स्थित है उस आश्रम में व्यक्ति के लिए जो दायित्व निर्धारित किए गए हैं उन दायित्वों का वो पालन करे। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा प्राप्त करे, गृहस्थ आश्रम में परिवार का पालन पोषण करे और वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम में मोक्ष के लिए प्रयास करे। तो राज्य का ये दायित्व है कि वो देखे कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का और आश्रम का पालन कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है। जो व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम धर्म का पालन नहीं करता है ऐसे व्यक्ति को दंडित करना राज्य का कर्तव्य है। राजा को प्रत्येक व्यक्ति को उसे अपने समाज व्यवस्था की सुरक्षा के लिए, उसके संचालन के लिए उसके दायित्वों का पालन करवाए। कौटिल्य ने यह भी कहा है कि यदि व्यक्ति सक्षम है और वह अपनी संतान पत्नी माता पिता एवं अन्य आश्रित परिवारजनों का भरण पोषण नहीं करता है और सन्यासी बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति को भी के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। तो इस तरह से पूरी समाज व्यवस्था की रक्षा सुरक्षा और संचालन का दायित्व राज्य का माना गया है। राज्य के न्याय के संबंध में या राज्य के न्याय संबंधित कार्य, कौटिल्य ने न्याय को भी राज्य का एक अनिवार्य कार्य माना है। उसने दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। हम इसे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में जैसे दीवानी और फौजदारी कह सकते हैं उसी तरह के ये न्यायालय थे, धर्मस्थलीय न्यायालय और कंटक शोधक न्यायालय। तो कौटिल्य ने कहा है कि राजा को अपराधियों के विरुद्ध दंड का विवेक सम्मत प्रयोग करना चाहिए। कौटिल्य का ये मानना था कि व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पूर्व उसके विरुद्ध पर्याप्त प्रमाण होने चाहिए और अपराधी के लिए दंड का निर्धारण उसकी प्रवृत्ति एवं अपराध की श्रेणी व मात्रा के अनुपात में निश्चित किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने भी अरस्तु की भांति न्याय के पक्ष स्वीकार किए हैं, एक वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय। तो इस तरह से के संबंध में कौटिल्य ने विचार व्यक्त किए हैं। राज्य के प्रजा कल्याण संबंधित कार्य, कौटिल्य ने राज्य के जनकल्याणकारी कार्यों का उल्लेख भी किया है और इन जनकल्याणकारी कार्यों में हम देखते हैं कि राज्य के द्वारा ग्रामीण जनों के स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए व्यायामशालाओं की स्थापना की जानी चाहिए, बीमारियों के रोकथाम के लिए औषधालयों की स्थापना की जानी चाहिए, वैद्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए। तो इस तरह से स्वास्थ्य की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व माना है। इसके अतिरिक्त दूसरा महत्वपूर्ण दायित्व माना है कि प्राकृतिक जो आपदाएं आती हैं उन प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा करना भी उन्होंने राज्य का दायित्व माना है। तीसरा कि अकाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में राजा के द्वारा दुर्ग पुल सड़क आदि का निर्माण करवाए और इनमें लोगों को कार्य देकर वेतन के रूप में अन्न प्रदान करना चाहिए। और कौटिल्य ने यह कहा है कि दुर्भिक्ष या अकाल जो पीड़ित जनता है उस पीड़ित जनता को पर्याप्त मात्रा में अन्न दिया जाना चाहिए और अकाल जैसे परिस्थितियों से बचने के लिए सिंचाई की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त राज्य की शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व माना है, राज्य का कार्य माना है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को शिक्षा संस्थाओं को दान देनी चाहिए और जो मेघावी छात्र हैं उनको छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए। अर्थशास्त्र में विभिन्न प्रकार के कृषि को हानि पहुंचाने वाले तत्वों का उल्लेख किया है, जैसे विभिन्न पक्षी हैं, चूहे हैं, टिड्डी दल हैं, कीड़े मकोड़े हैं। इन हानिकारक जीव जंतुओं से कृषि की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व माना है। कौटिल्य ने हिंसक जंगली पशुओं एवं खतरनाक जो जलचर हैं उससे भी प्रजाजन की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व माना है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने
प्रजा में प्रचलित विभिन्न प्रकार के जो रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, संस्कृतियां हैं, उनका सम्मान करने और उनके रक्षा करने की बात कही है। कौटिल्य ने समाज के जो असहाय व्यक्ति हैं, चाहे वो वृद्ध हो, अनाथ बच्चे हो, असहाय बांझ स्त्री हो, विधवा स्त्री हो, इनके भरण पोषण का दायित्व भी राज्य का माना गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि प्रजा कल्याण से संबंधित जो कार्य हैं वो लगभग उसी प्रकार के कार्य हैं जैसे आधुनिक समय में राज्यों के द्वारा किए जाते हैं। तो व्यापक कल्याणकारी कार्यों का उल्लेख कौटिल्य ने अपने राज्य के कार्य क्षेत्र में किया है। पांचवा, राज्य के आर्थिक कार्यों का भी कौटिल्य ने उल्लेख किया है। कौटिल्य ने राज्य के विभिन्न व्यवसाय लगे हुए लोगों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने और उत्पादित वस्तु का मूल्य निर्धारित करने तथा विशेष वाणिज्य व्यवसायी किसी व्यापारी एकाधिकार नहीं रखें, इस बात की समुचित व्यवस्था करना भी राज्य का दायित्व माना है। तो इस तरह से कौटिल्य ने प्रतिपादित किया है, इस बात की देखरेख करें कि कोई भी व्यापारी अपने किसी व्यवसाय के माध्यम से या किसी उद्योग धंधे के माध्यम से किसी व्यापार में एकाधिकार प्राप्त कर प्रजा को शोषण नहीं करे, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा को अपने राजकोष में निरंतर वृद्धि करनी चाहिए, साथ ही कृषि एवं किसानों के विकास, उसने तालाबों, नहरों, बांधों, सिंचाई के साधनों के विकास पर बल दिया है और साथ ही ये कहा है कि राजा को किसानों को सस्ते मूल्य पर बीज तथा पशुओं की खरीद के लिए ऋण देना चाहिए। तो इस तरह से उसने आर्थिक कार्य किया है। इसके अतिरिक्त आर्थिक कार्यों में उन्होंने राज्य के पशुधन की बीमारियों की रक्षा करना भी राज्य का दायित्व माना और इसके लिए उसने कहा है कि पर्याप्त मात्रा में चिकित्सालयों की स्थापना की जाए और जो उपयोगी पशु पक्षी हैं उनके वध पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त व्यापार के समुचित मार्गों के विकास की बात भी कौटिल्य ने की है तथा उनकी सुरक्षा का दायित्व भी राज्य का माना है। साथ ही ये भी कहा है कि राजा को बाजार में नाप तोल का निर्धारण करना चाहिए, क्रय विक्रय की व्यवस्था चाहिए ताकि कोई व्यापार जनता को लूटने का कार्य नहीं करे। तो इस तरह से आर्थिक कार्यों का जो दायित्व है वो भी एक बहुत विस्तृत है और आधुनिक समय के राज्य के कार्यों से मिलता जुलता है। छठा, राज्य का कार्य माना है प्रशासनिक प्रणाली का निर्वहन करना। कौटिल्य का मत है कि राज्य अपने व्यापक दायित्वों की पूर्ति तभी कर सकता है जब उसके पास सक्षम एवं संगठित प्रशासनिक व्यवस्था हो। इसके लिए कौटिल्य ने विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक आधारों पर विभिन्न विभागों का संगठन करने तथा उनके पर्याप्त मात्रा में सुयोग्य अधिकारियों कर्मचारियों की नियुक्ति करने की बात कही है। तो इस तरह से संगठित, सुव्यवस्थित और मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करना भी राज्य का दायित्व माना है। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने परराष्ट्र संबंधों के संचालन को भी राज्य का प्रमुख दायित्व माना है और कौटिल्य ने राजा को परामर्श दिया है कि वह अंतर्राज्यीय संबंधों का संचालन इस प्रकार करे कि उसके मित्रों की संख्या अधिक से अधिक हो और शत्रुओं से मुकाबला किया जा सके और ताकि प्रजा के कल्याण और सुरक्षा दोनों के हितों की रक्षा हो सके। और राजा को ये भी संकेत दिया है कि वह अनावश्यक युद्धों से बचे, आवश्यक होने पर ही युद्ध करे। उसने परराष्ट्र संबंधों के संचालन में, जैसे कि अपन ने पूर्व वीडियो में ये देख चुके हैं कि परराष्ट्र संबंधों का संचालन करने के लिए कौटिल्य ने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दो आधार प्रदान किए और उसमें नीति के उपाय, सड़गुण नीति और मंडल सिद्धांत के आधार परराष्ट्र संबंधों के संचालन की बात कही है। तो कौटिल्य के द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों के संबंध में जो विचार व्यक्त किए हैं उससे हमें उनके लोक कल्याणकारी राज्य के दर्शन होते हैं। आप सभी का धन्यवाद।